हम बात कर रहे हैं HMA एग्रो की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक ने हमको गिरावट के साथ ही क्लोजिंग दिखाई है। 7250 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, लगातार लो और लो पैटर्न बनाता नज़र आ रहा है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 5930 का लेवल, जहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर हमको 7250 तक के टारगेट दिखाए थे। कौन सा लेवल? 5930 का लेवल, एक तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके ऊपर ही स्टॉक को सस्टेन होना पड़ेगा लगातार तेज़ी के लिए। लेकिन जिस तरह से चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग हो सकता है स्टॉक अपने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाए। अगर इस लेवल को स्टॉक ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर वैसे कंडीशन में हम देख सकते हैं 5250 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है। 5250 और 5300 तक का भी स्टॉक फॉल दिखा सकता है। ये जो लेवल है जहाँ से इससे पहले स्टॉक ने ब्रेकआउट करके सर्किट हिट होते नज़र आए थे, वहाँ तक की गिरावट स्टॉक हमको दिखा सकता है। और स्टॉक ने ये जो गैप छोड़ा है यहाँ पर सर्किट लगाते हुए, उसको फील करने के लिए भी हो सकता है स्टॉक हमको रिजेक्शन लेकर इस लो को ब्रेक डाउन करके गिरावट दिखा जाए और 5250 तक की गिरावट दिखा जाए। और चांस तो ऐसे ही बन रहे जिस तरह से चार्ट पैटर्न हमको देखने के लिए मिला है। जम के बाद रिजेक्शन, लो ब्रेक डाउन, जम के बाद रिजेक्शन, लो ब्रेक डाउन, लगातार लो और लो पैटर्न बता रहा है। लेकिन ये इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 5930 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन होता है और स्टॉक में रिकवरी आती है तो ये जो इसका हाई है, जहाँ से इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन फेस करके अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन किया, 64 का लेवल, यहाँ तक का जम दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो जाता है स्टॉक, तो वैसी कंडीशन में फिर क्लियर कट सिग्नल रहेगा HMA एग्रो का अप ट्रेंड का। फिर यहाँ से HMA एग्रो का खेल पलटता नज़र आ सकता है। फिर स्टॉक इस बाउंस बैक के साथ अपने इस हाई को भी ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। फिलहाल स्टॉक गिरावट में है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।